कितने दो, मेरे को फलाना दो, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अरे भाई तू दिल्ली से ऐसी नीति बना के लाया, फिर बाद में दिल्ली जाने से क्या फायदा, पहले ही बना लेता। दादा सुधीर जी गुप्ता को 2 से 4 करोड़, 5 करोड़ नारकोटिक्स विभाग और इस अफीम विभाग से प्रत्येक वर्ष मिलता है, मैं गारंटी से नोट लगा के आप लोगों से छाती कहना चाहता हूँ। ऐसी नीति जब से भाजपा की सरकार आई है तब से अफीम की नीति साल में 3 बार बनती है। आप पिछले कांग्रेस के उसमें चले जाइए, अफीम की नीति केवल और केवल 1 बार बनती थी। और अपने बाप दादा, मेरे पिताजी बोलते हैं आज भी चले गए कि 20 बीघे की अंबल बेटी 18 बीघे की, तो भी अंबल नारकोटिक्स विभाग खरीदी ने बेची देती है। आज 3 आरी ने 5 आरी की अंबल ही गिरे, मैं अंबल ही नहीं भी गिरी था कि गठिया अंबल कोई लेवाने तैयार। और दादा ये समझ में ही नहीं रहा यार, 50-50 आरी, 100-100 आरी, 5-5 बीघा, 8-8 बीघा की अंबल बनना वोट की यही नहीं रुकी। इस सब बैठा बुजुर्ग दादा, सब जमीन में अम्बल बाप था, लेकिन आज इनसे 5 आरी की अफीम नहीं बिक रही, फैक्ट्री भरी हुई। इनने अपनी अफीम को पूरा गोबर भरा दिया और ये नारकोटिक्स विभाग के और ये सफेद कुर्ताधारी नेता तस्करी कर रहे हैं अफीम बेची से, कुछ चलो माल निकाल रहे हैं और वहां पर पानी और वहां पर घी और वहां पर ये घटिया अफीम के जितने फार्मूले हैं वो मिला करके कुमारी अफीम को घटिया बना रहे हैं। ये सच्चाई कह रहा हूं मैं आपसे, आपको मालूम है आप अफीम कैसी दे रहे हो, पहले कैसी देती थी जैसे आती थी होश वाली, आज तो उसको जैसे वो बर्फी बनाते ना वैसे हिला जुला के दे रहे हैं। दादा निश्चित बात है, रेट की तो कई बात कर रहे हैं, दांत चले अथी दांत का जी यार, खेती का क्या कर लिया खर्चा हमारे अम्बल, देसी घी का भाव में तो अम्बल ले रही है यार 1,800 ना 800 ना 500 रुपए किला में है, 1,000 रुपए किला में फिर रिकवरी आई गई कि यार घी में वाहन आई, अरे अम्बल में वाहन आई रही 1,000 रुपए किला का। अरे दादा यूं भी कर रहे हैं यार, हम भी इज्जत का नाश कर रहे हैं।